कानपुर समेत उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर उपचुनाव में रालोद ने एनडीए का साथ देने की घोषणा कर दी है। राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी जयंत के निर्देश पर आज प्रदेश अध्यक्ष रामाशीष रॉय ने कार्यकर्ताओं के साथ बड़ी बैठक की। वैसे तो एनडीए और रालोद एक ही पल्लड़े में है, जिनका नजारा हम सभी ने लोकसभा चुनाव में भी देखा था। अब उत्तर प्रदेश में जल्दी 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं और इसी के चलते आज रालोद प्रदेश अध्यक्ष रामाशीष रॉय ने अपने सभी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर आगे की रणनीति और कूटनीति दिशा निर्देश दिए हैं। और साथ ही उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश में बड़ी संख्या में माइनॉरिटी के लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं और हमें विश्वास है कि हम एकजुट होकर बड़े अंतर से जीत दर्ज करने में कामयाब होंगे। देखिए, कानपुर का उपचुनाव सीसामऊ का एनडीए के लिए, हम सभी लोगों के लिए एक चुनाव जीतने की एक चुनौती है और उसकी रणनीति बनाने के लिए आज यहाँ रैली के कार्यकर्ताओं हमारी बैठक है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी के निर्देश पर सभी 10 जगह जो उपचुनाव होने वाले हैं उन सभी 10 विधानसभाओं में राष्ट्रीय लोकदल अपनी महत्वपूर्ण और भूमिका का निर्वहन करना चाहता है। हम चाहते हैं कि हम अपने सहयोगी, चाहे एनडीए घटक का कोई भी दल का उम्मीदवार लड़े, हम पूरी मुस्तैदी से, पूरी मजबूती से उसकी विजय सुनिश्चित कराने में अपना योगदान दे सकें। जिस तरह देखा गया कि मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, अब कैसे उसको करेंगे? हमारे महान उस्मान जी यहाँ जिले का अध्यक्ष है, हमारे कार्यकर्ता लगभग 60% यहाँ जो आए हैं वो सब माइनॉरिटी के लोग हैं और आज राष्ट्रीय लोकदल का बलिया से लेकर सहारनपुर तक बड़ी संख्या में माइनॉरिटी के लोग मेंबरशिप धारण कर रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं। और राजनीति में जो चौधरी जयंत सिंह जी की लाइन है वो सबको साथ लेके चलने की है। उन्होंने एनडीए में रहते हुए जो कहीं भी उन्हें अनुचित लगता है उसका वो डटकर उसका जो है विरोध भी करते हैं। वो लोगों से सबसे अपील करते हैं कि नहीं, एक ऐसा रास्ता भारत का जो रास्ता है कि सबको साथ लेके चलने का है वो में है, चौधरी चरण सिंह में है। राष्ट्रीय लोकदल सबको साथ लेके चलता है, समाज में भाईचारे बनाए रखने की प्रखर वकालत करता है, इसके लिए वो लड़ते भी हैं। तो जयंत चौधरी से बहुत उम्मीदें हैं, उनके साथ लोग जुड़े हुए हैं। हम लोग अपना जो हमारे साथ पूरी ताकत उसको एनडीए का जो प्रत्याशी होगा, भारतीय का जो प्रत्याशी होगा उसको हम लोग विजयश्री दिलाने में लगेंगे। मोदी की लहर में विजयश्री भाषण जीत, क्या लगता है इस बार? देखिए, कभी कभी परिस्थितियां स्थानीय लेवल पर उम्मीदवार के समीकरण के अनुसार या व्यक्तित्व के आधार पर हार जीत का फैसले होते हैं, वो अपवाद स्वरूप होते हैं, लेकिन आने वाले समय में हर चुनाव एक जैसा नहीं होता है और हम लोग कोशिश करेंगे कि इस बार सीसामऊ की जनता का विश्वास एनडीए को प्राप्त हो और एनडीए का उम्मीदवार विजयश्री को प्राप्त करें।